हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव आई सर्जन। आज हम जानेंगे आई स्ट्रेन और हेडेक के पीछे क्या कारण है, जिसे ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें से मैक्सिमम पेशेंट्स यही कंप्लेंट लेके आते हैं कि उनको बार बार हेडेक हो रहा है या आँख में तनाव फील हो रहा है, खिंचाव फील हो रहा है। तो आखिर इसका कारण क्या है? अभी वैसा देखा जाए तो हेडेक के बहुत कारण हैं, मतलब वो न्यूरोलॉजिकल आपके ब्रेन से संबंधित हो सकता है, या साइनस के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या जॉ प्रॉब्लम की वजह से, ईयर की वजह से, बहुत सारे कारण हैं। पर अगर ये सब रूल आउट करने के बाद भी आपको बार बार हेडेक हो रहा है तो हो सकता है कि आपके आँख में भी कुछ प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि आपकी आँख में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से हेडेक होता है। तो सबसे कॉमन रीज़न जो है वो है कि अगर आपके आँख में चश्मे का नंबर है, मतलब जिनके आँख में प्लस का नंबर होता है या फिर सिलेंड्रिकल नंबर होता है। सिलेंड्रिकल नंबर मतलब जो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे होता है, वैसा अगर नंबर है, मतलब सोसाइटी में ऐसे बोलते हैं कि दिमाग का नंबर है, पर एक्चुअली वो वैसा नहीं होता है, वो होता आँख का ही नंबर है, पर अगर वो नहीं पहने तो माइल्ड हेडेक रहता है। तो आप गलत नंबर पहन रहे हैं या आप नंबर है और पहन ही नहीं रहे हैं, और मोस्टली ये माइनस नंबर में नहीं होता है, ये प्लस नंबर और एक सिलेंड्रिकल नंबर होता है उसकी वजह से होता है। तो ये एक कारण है जिसका ट्रीटमेंट, मतलब आप प्रॉपर अपना आई चेकअप करवाइए और आपका आपका अगर कुछ नंबर है तो वो फाइंड आउट करके आप चश्मा पहनिए। तो अभी दूसरा रीज़न, दूसरा मोस्ट कॉमन रीज़न जो अभी हम बोल सकते हैं वो है डिजिटल स्ट्रेन। डिजिटल स्ट्रेन मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे का यूज़ बढ़ गया है। तो इसकी वजह से दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कि आँख में सूखापन आ जाता है, मतलब ड्राइनेस हो जाता है। तो ड्राइनेस की वजह से भी आँख में स्ट्रेन होता है जो फिर हेडेक कॉज करता है। और एक दूसरा रीज़न है जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से होता है, वो है एकोमोडेटिव स्पाज़म। एकोमोडेटिव स्पाज़म मतलब क्या कि जैसे अगर हम नियर एक्टिविटी में, वो ऐसा नहीं है कि वो मोबाइल की वजह से ही हो, कोई भी नियर एक्टिविटी, अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो ऐसा पाया गया है कि अगर आप एक घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस नियर वर्क करते हैं तो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, एकोमोडेटिव स्पाज़म मतलब जैसे आँख के अंदर मसल्स रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, जैसे हार्ट के मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, वैसे ही आँख के जो अंदर के मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, वो ऑटोमेटिक ऑटो फोकस करते हैं। मतलब दूर का देखने के समय वो अपने आप जो सिलियरी मसल्स करके होता है अपने आप वो फैलती है, और जब पास आते हैं तो अपने आप वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाती है ताकि नज़दीक का क्लियर दिखे। तो जब हम कंटिन्यू नियर वर्क करते रहते हैं तब क्या होता है कि वो अंदर की जो मसल्स है, सिलियरी मसल, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, और जब हम अचानक से दूर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ब्लर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मसल रिलैक्स ही नहीं हो पाती, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहती है। जैसे किसी दिन हमने बहुत एक्सर्शन कर लिया या बहुत दिन भर हम खड़े हैं तो रात के समय हमें काफ मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। तो इसकी वजह क्या है कि उनका बहुत एक्सर्शन हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही हैं अभी तक। वैसे ही आँख की अंदर की मसल्स का भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही अटकी रहती है, रिलैक्स नहीं हो पाती। इसके कारण जब हम नियर वर्क करके दूर देखते हैं तो हमें ब्लर दिखाई देता है। इसका मतलब आपको एकोमोडेटिव स्पाज़म हो सकता है। तो अभी एकोमोडेटिव स्पाज़म का इलाज क्या है? सबसे पहले आपके नज़दीकी आई डॉक्टर से संपर्क करना है, वो आपको प्रॉपर टेस्ट करेंगे, ड्रॉप डाल के आपका आई चेकअप करेंगे। अगर आपको कुछ नंबर है तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा उन्हें लगे कि नहीं वो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो वो आपको प्लस 0.50 या 0.75 का नंबर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर कुछ ड्रॉप्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि आपके अंदर के मसल्स रिलैक्स हो सके। और एक महत्वपूर्ण कारण जो हेडेक का होता है वो है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। अब ये क्यों होता है? तो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी का कारण माना गया है कि जो नर्व मसल्स को सप्लाई करती है, जैसे अभी एकोमोडेटिव स्पाज़म में हमने देखा कि अंदर की मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है या वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, तो अभी ये कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी में जो आईबॉल होता है उसके बाहर भी मसल्स होती है जो आईबॉल के रोटेशन को कंट्रोल करती है, आँख के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। तो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी उस मसल्स की वजह से होता है। तो उस मसल्स को एक नर्व सप्लाई भी होता है, अगर वो नर्व सप्लाई प्रॉपर तरीके से ना हो या फिर जो नर्व और मसल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज कन्वेइंग है, अगर वो प्रॉपर तरीके से ना हो
तो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी होता है। मतलब जैसे अगर हम दूर का देखते हैं तो हमारी आंखें प्रॉपरली सीधा अलाइन होती है, जब हम पास का देखते हैं तो दोनों आंखों को आइडियली ऐसे होना चाहिए, कन्वर्ज होना चाहिए, आईबॉल को ऐसे अंदर रोटेट होना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है कि एक आईबॉल प्रॉपरली कन्वर्ज नहीं होता, एक आईबॉल कन्वर्ज होता है, उसके कारण डबल विजन दिखता है या ब्लर विजन दिखता है। जैसे पेशेंट दूर तो क्लियर देख सकता है, दूर उसका नजर भी 6x6 जो नॉर्मल विजन हम कहते हैं, तो वो तो प्रॉपर छोटी लाइन से छोटी लाइन भी देख लेता है, पर तो भी उसे पास का देखने के लिए दिक्कत जाती है। बोलता है कि जैसे बच्चे भी कि पास का बहुत देर तक अगर देख रहे हैं तो थोड़ी देर में उन्हें वो पास का भी ब्लर दिखाई देने लगता है, या फिर माइल्ड हेडेक होता है, या फिर डबल दिखाई देता है। तो इन सब का रीज़न होता है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंस। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है? इसमें मेन ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज, मतलब आई मसल्स की एक्सरसाइज। अब वो कौन सी है? तो पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज हम बोलते हैं, जैसे पुशअप्स में बाइसेप्स का वर्कआउट होता है, उसी प्रकार जो आंख के मसल्स है उसका वर्कआउट होता है पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज में, उसे हम स्ट्रांग बनाते हैं। तो ये एक्सरसाइज नॉर्मली सुबह करते हैं, क्योंकि सुबह आंखों की प्रॉपर रेस्ट हुई रहती है, शाम को आंखें थकी हुई रहती है। और ये कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी में आप देखेंगे कि जो हेडेक है वो भी शाम के वक्त ही आप नोटिस करते हैं, सुबह के वक्त नहीं, क्योंकि सुबह रात का प्रॉपर रेस्ट हुआ रहता है इसलिए सुबह वो इतना नोटिस होता नहीं है। तो अभी पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज में क्या करते हैं कि पेंसिल या पेन आर्म एक वन आर्म लेंथ के डिस्टेंस पे रखते हैं, उसके टिप को हमें देखना है, वो जो है वो इतना ऊपर नहीं रखना है, अपने आई लेवल पे ही रखना है, या थोड़ा नीचे भी रखे तो भी चलेगा, और उसे दोनों आंखों से कंटिन्यूस टिप पे देखते रहना है, और धीरे 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 पास में लेके आना है। जब आप पास लेके आएंगे तो एक जगह आपको ये डबल दिखाई देगा, जब आपको ये डबल दिखाई देता है तब आपको उसे वो इमेज को सिंगल करना है, वहां रुक जाना है, और 10 काउंट्स के लिए या फिर 10 सेकंड्स के लिए आपको कोशिश करनी है कि वो जो डबल इमेज है वो सिंगल हो जाए। तो बेसिकली आपको ये एक्सरसाइज 10 बार करनी है, सुबह के टाइम ही करनी है, इससे आपके जो नर्व्स जो मसल को सप्लाई करते हैं उसे और ट्रेनिंग हमें देना है, ताकि वो अच्छे से मैसेज कन्वे करें और हमारी मसल स्ट्रांग हो, ताकि वो जब पास का देखे तो प्रॉपरली कन्वर्ज हो। इसके और कारण भी होते हैं, जैसे कुछ कुछ लोगों की आँख ही तिरछी होती है तो उनमें अलग एक्सरसाइजेस आते हैं, जो क्लिनिक में आके हॉस्पिटल में जाके कुछ मशीन्स में करवाए जाते हैं, वो आपके कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि क्या आपके लिए ट्रीटमेंट होगी। पर मोस्टली जो पेशेंट्स को तिरछापन नहीं है और ब्लर दिख रहा है, मोस्टली ये पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी फायदेमंद होती है। तो ये आप रोज़ करिए ताकि आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो। अगर आपका बच्चा बहुत स्लो रीड करता है, या फिर होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाता, या फिर बोलता है कि आंखें काफ़ी थकी थकी दिख रही हैं, आप डबल दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, तो हो सकता है आपके बच्चे को कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हो। यंग एडल्ट्स और चिल्ड्रन में काफ़ी नोटिस किया गया है कि उन्हें कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी रहती है, तो वो पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। अब बाकी जो रीजंस होते हैं हेडेक और आई स्ट्रेन के, तो वो है कि कभी कभी आपके ब्रेन के अराउंड एक फ्लूइड होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो हमें जो आँख में पीछे नस होती है जो ब्रेन तक जाती है उसमें सूजन दिखाई देती है। तो अगर आपको ऐसा नोटिस होता है, कभी भी हेडेक होता है, तो अपने नियर बाय आई डॉक्टर से संपर्क करिए, ताकि वो आपका पूरा थरो आई एग्जामिनेशन करे, आपके पीछे की ऑप्टिक नर्व, आपके पीछे की नस देखे, और अगर उसमें सूजन आती है तो वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, ताकि वहाँ से एटलीस्ट ये समझ में आ जाता है कि ब्रेन में जो फ्लूइड रहता है ब्रेन के अराउंड, उसका प्रेशर बढ़ गया है और उसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके ट्रीटमेंट में कुछ कुछ पेशेंट्स का दवाई से भी ठीक हो जाता है, कुछ कुछ पेशेंट्स को थोड़ा इंटरवेंशन लगता है, वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, पर आँख देखने से एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि वो कंडीशन है पेशेंट को। जैसे ही जो CSF प्रेशर है, मतलब जो ब्रेन के अराउंड जो फ्लूइड है उसका प्रेशर कम हो जाता है, तो अपने आप जो ऑप्टिक नर्व है, मतलब पीछे की नस है, उसकी स्वेलिंग भी कम हो जाती है। तो इसीलिए आँख का अलग से ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं होती।
तो ये सब कारण होते हैं आई स्ट्रेन और हेडेक के। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि आँख की वजह से मोस्टली सीवियर हेडेक नहीं होते हैं। माइल्ड हेडेक हाँ हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको इतने सारे रीजन बताए उसकी वजह से माइल्ड हेडेक हो सकते हैं, पर हाँ सीवियर हेडेक 90% केसेस में सीवियर हेडेक आँख की वजह से तो नहीं होते हैं। तो अगर आपको बार बार हेडेक हो रहा है, आंखों में स्ट्रेन है, तो आपके नज़दीकी आए डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ताकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है अगर उसका कॉज ही हमें पता ना चले और उस बेकार में ही अगर कोई और दवाई हम ले रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको बार बार हेडेक हो रहा है, आँख में खिंचाव लग रहा है, तो आपके नज़दीकी आए डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।